हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं हमारे खेत पर चने की बोनी। आप देख सकते हैं हमारी ट्रैक्टर चल रही है। हमने सीडल में डीएपी, चना और फफूंदी नाशक मिलाया है। बीज उपचारित कर दिया अच्छी तरीके से, देख सकते हैं आप। और ये हमने देखिए चने की वैरायटी कल ही लेके आए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये देखिए वैरायटी का नाम है इसका JG36, आप देख सकते हैं। और ये देखिए सितंबर 2022 की पैकिंग है और मॉइस्चर 12% है और ये 30 किलो की बोरी रहती है। अभी थोड़ी वो शेड्यूल में नहीं समा रहा था तो हमने ये बोरी में लेके आए हैं। ये देखिए हमारी ये 11 टाइम्स की शेड्यूल है और हम चना दिखाते हैं आपको कितने डिस्टेंस में गिरा है। ये देखिए ये एक बीज है चने का, एक यहाँ पर गिरा है, ऐसे ही थोड़ी अभी गहराई हल्का गहराई में, और एक यहाँ पर गिरा है। हमारे इधर चने का पौधा बनता है। भैया थोड़ा समझाना कि कैसा गिर रहा है चना। ये हमारे बाजू खेत के बड़े भैया हैं हमारे, ये बताएंगे कि चना कैसा गिर रहा है। लगभग दो ढाई इंच के अंतर में गिर रहा है। लगभग 3-4 इंच मान लो आप। हाँ सही गिर रहा है क्योंकि अपने यहाँ चना की हाइट बढ़ी जाती है तो होती है और पौधा बनता भी है, फैलता भी है। हाँ जी, हमने इस बार नई वैरायटी लेके आए हैं, चिकनी वैरायटी लेके नहीं आए हैं क्योंकि खरवासी वैरायटी रहती है तो उसका दाना अच्छा नहीं लगता, तो ये हमने चिकनी वैरायटी लेके आए हैं। हमने आपको दिखाया है अभी जी, हमने देखिए इस खेत में हमने मक्के की बोनी की थी धार विधि से। हमने एक बार इसमें बलराम कल्टीवेटर चला दिया था और दूसरी बार हमने रोटावेटर चलाया है और फिर कल तीसरी बार फिर रोटावेटर चलाया और आज हम इसकी बोनी कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत बारीक हो गया है खेत। ये देखिए इस तरीके से दाना गिर रहा है चने का। ये हाइब्रिड वैरायटी का चना है। ये देखिए हमारी ट्रैक्टर महिंद्रा 585 DI सरपंच में ये 11 टाइम्स की सीडल चल रही है। आपको हम दिखा दें, देखिए किस प्रकार से दाना गिर रहा है। इसको हम 1200 से 1300 RPM में चला रहे हैं गाड़ी को। इसको हल्का गड़ा के चलाना पड़ रहा है क्योंकि चना हल्की गहराई में रहेगा तभी सही तरीके से जड़ पकड़ता है। ये देखिए हमारा 6 फीट का जारा वेटर है, कितना बारीक करा है इसने। हमने एक बार ऐसे खड़े में बखरानी कर दी थी और खड़े में ही एक बार रोटर वेटर चलाया था और कल ही हमने इसको आड़े में रोटर वेटर चलाया है। जैसे देखिए मक्के के जो डंठल रहते हैं ये सब पिस चुके हैं। देखिए ऐसे हमको बोने में भी दिक्कत नहीं जाएगी और पानी बगाने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। अभी बोनी कम्प्लीट होने के बाद हमको तुरंत इसमें पानी चालू करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप दाना अच्छी तरीके से पड़ रहा है पेंटे से। इसमें दाना ऊपर रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। देख सकते हैं हमने अभी ये शेड्यूल को फुल करके लेके आया था। अभी लगभग 20-22 मिनट ही हुए हैं और इतना चना ही अभी खाली हो गया है। हम इसको अभी 10-12 नंबर में बो रहे थे, 15 नंबर में लगभग। अब देख सकते हैं तक हमने अभी चना की बोनी कर दी है। आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर वो, यहाँ से वो मेड़ दिख रही है, ये मेड़ दिख रही है और इधर ये सीध दिख रही है, जहाँ से लेकर हमने अभी यहाँ तक चने की बोनी कर दी है। लगभग 1.5 एकड़ खेत होगा, आधा खेत होगा ये लगभग। और हमने इसमें 75 किलो चना की बोनी की है। अब हम इसके चने की अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। पर हमने अभी वो हमारा ट्यूबवेल दिख रहा है और वो हमारे पानी चालू हो गया है अभी, तो थोड़ा सा बगा है अभी, बोनी में व्यस्त हैं इसलिए अभी
सूखा खेत है तो अभी छोड़ दिए हैं, फिर अभी उसको सामने से खड़े होकर बगाना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चने की अपडेट हम लाते रहेंगे और फसल के अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर। एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।